नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इट्स यादव ब्लॉग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या हम कुवैत में आने के बाद में जॉब चेंज कर सकते हैं या कंपनी चेंज कर सकते हैं। बहुत से लोग नए लोग आते हैं वहाँ पे, आने के बाद में उनको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही होती है तो वो जो है जॉब चेंज करने के बारे में सोचते हैं, कंपनी चेंज करने के बारे में सोचते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कोई भी जानकारी जो है अधूरी ना मिले, पूरी जानकारी मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा जो लोग भी नए आ रहे हैं कुवैत में, उनको यहाँ के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है स्टार्टिंग में, तो उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा अगर आप जो है कुवैत में आने के बाद में आप कंपनी चेंज करना चाहते हैं या जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। बट इसका जो प्रोसेस टाइम होता है या जो भी इसका प्रोसीजर होता है वो आपका 2 साल के बाद ही होता है। जो आपकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, आपका जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो 2 साल आपको कंप्लीट करना होगा जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। उसके बाद में अगर आपको कंपनी यहाँ से अलाउड करती है किसी दूसरी कंपनी में जाने के लिए, जॉब चेंज करने के लिए आपकी कंपनी अलाउड कर रही है, उसके बाद ही आप जॉब चेंज कर सकते हैं। और यहाँ के कुछ जो लेबर लॉ है उस हिसाब से आप जो है अपना जॉब दूसरी कंपनी में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 साल यहाँ पे अपनी कंपनी में पूरा करना होगा, 2 साल के बाद में आप जो है दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढ सकते हैं। जॉब ढूंढने के बाद में आपको अपनी कंपनी में इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी, इन्फॉर्म करना होगा और आपको यहाँ पे रिजाइन देना होगा। रिजाइन देने के बाद में आपका जो भी यहाँ का टाइम पीरियड होता है 2-3 महीने का, वो आपको 2-3 महीना आपको रिजाइन देने के बाद में यहाँ पे काम करना होगा। उसके बाद में आप जो है दूसरी कंपनी में फिर जा सकते हैं। इस तरह से आप जॉब चेंज कर सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस, अगर आप यहाँ से आपका 2 साल पूरा करने के बाद में आप यहाँ से वीज़ा रिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो आप रिजाइन दे के इंडिया जा सकते हैं और इंडिया से फिर दोबारा आप कुवैत में किसी और कंपनी में जॉब के लिए आ सकते हैं। बट इस तरह ये जो प्रोसेस होता है इंडिया से दोबारा कुवैत में आने का, इस तरह से थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप लोगों को जो है दोबारा जॉब ढूंढना पड़ेगा, तो इंडिया से जॉब ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें आपका खर्चा भी ज़्यादा होता है, फिर आप एजेंट या किसी एजेंसी का जो है सहारा लेते हैं तो इसमें आपको खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है। तो इससे अच्छा है अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आप कुवैत से ही चेंज कीजिए। कुवैत से आप अपनी कंपनी में 2 साल पूरा करिए, उसके बाद में आप दूसरी कंपनी में ट्राई कीजिए, आपको जहाँ पे बेटर लगता है वहाँ पे आप जो है जॉब चेंज कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी आप लोगों को जो बताना था जॉब चेंज करने के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।